हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू इंग्लिश गुरुकुल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरा मानना है कि एक ही दिन में 100 नए शब्द सीखने से अच्छा है कि 10 दिनों में आप 10-10 नए शब्द सीखो। ऐसा करने से वो 10 वर्ड जो आप एक दिन में सीख रहे हो वो आपके दिमाग में ज़्यादा देर तक अच्छे से रहेंगे, साथ ही साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग आप डिटेल में कर पाओगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं कोट ऑफ द डे से। यू कैन फाइंड मैजिक Wherever you look, sit back and relax. All you need is a book. दोस्तों, डॉक्टर सियूस कहते हैं कि आप हर जगह पर, चाहे आप कहीं भी हो, वहाँ पे आपको जादू मिल जाएगा। आपको हर जगह जादू मिल जाएगा। उसके लिए बस आपको आराम से बैठना है और एक किताब आपको चाहिए। तो वो कहते हैं कि किताब जादुई होती है। कहीं ना कहीं वो कहना चाहते हैं कि जैसे ही आप किताब खोलोगे, आपके सामने एक जादुई दुनिया खुल जाती है। इसी के साथ पहले वर्ड्स पे आते हैं। पहला वर्ड है प्लेन। दोस्तों, प्लेन का मतलब होता है सिंपल, अनअडॉर्न। कभी कभी जब हम कपड़े खरीदने जाते हैं तो हम बोलते हैं कपड़े दिखाने वाले दुकानदार को कि भैया हमें प्लेन कपड़े दिखाइए, ज्यादा हमको फैंसी कपड़े नहीं चाहिए, प्लेन चाहिए। तो उसका मतलब क्या होता है, सिंपल कपड़े हमें चाहिए, या फिर उसके ऊपर ज्यादा एडॉर्न नहीं होना चाहिए, ज्यादा जगमग नहीं होने चाहिए, ज्यादा उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी वर्क एटसेट्रा नहीं होना चाहिए। वही दूसरा एक प्लेन होता है PLANE, जिसका मतलब होता है एयरक्राफ्ट, या फिर एक प्लेन सरफेस, एक समतल सरफेस। तो ये दोनों ही वर्ड अगर हम प्रोनाउंस करेंगे तो दोनों का ही प्रोनाउंसिएशन प्लेन ही आएगा, लेकिन उन दोनों के स्पेलिंग के अंदर डिफरेंस है। तो आपको एरोप्लेन से याद रख लेना है, उसके अंदर ANE है। तो दूसरा वाला प्लेन आप अपने कॉमन सेंस से यूज कर पाओगे। नेक्स्ट वर्ड है प्रीसीड। प्रीसीड का मतलब होता है टू कम बिफोर। अब इसका मतलब क्या है कि कोई एक चीज किसी चीज के बाद में आती है तो उसे कहते हैं प्रीसीड करना। तो उदाहरण के तौर पर हमारे मौजूदा प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी। तो प्राइम मिनिस्टर हमारे इससे पहले के जो भी प्राइम मिनिस्टर थे, मनमोहन सिंह, वो इनको प्रीसीड करते थे, वो इनसे पहले आए हुए थे। इसे अक्सर कंफ्यूज किया जाता है प्रोसीड इस वर्ड के साथ। प्रोसीड का मतलब होता है आगे बढ़ो, कंटिन्यू करो। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट वर्ड है प्रेजेंस। प्रेजेंस का मतलब है अटेंडेंस। जब आप स्कूल में अटेंडेंस देते हो, आपके नाम से पूछा जाता है विनोद, तो आप कहते हैं प्रेजेंट सर। तो ये क्या हुआ, प्रेजेंस हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, हम एट हैंड, हम यहाँ पर अवेलेबल है, उपस्थित है। इसे अक्सर प्रेजेंट्स इस वर्ड के साथ कंफ्यूज किया जाता है। प्रेजेंस का मतलब होता है गिफ्ट देना। नेक्स्ट वर्ड है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल, अब यहाँ पे आपके स्कूल के जो प्रिंसिपल होते हैं उन्हें हम प्रिंसिपल कहते हैं, लेकिन अक्सर अपन हम देखें टेक्निकल वर्ड में हम इसे प्रिंसिपल भी कह सकते हैं। तो प्रिंसिपल और प्रिंसिपल, ये दोनों सिमिलर या सेम ही प्रोनाउंसिएशन हो गए हैं। जहां पर एक शब्द का उपयोग किया है प्रिंसिपल, तो वो होते हैं हमारे स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर या फोरमोस्ट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द स्कूल। वही प्रिंसिपल, जहां पर PLE का उपयोग किया गया है, उसका मतलब होता है तत्व, बेसिक ट्रूथ, मॉरल कन्विक्शन। नेक्स्ट वर्ड है क्वाइट। दोस्तों, क्वाइट रहना का मतलब होता है शांत रहना। जब आप स्कूल में हल्ला करते हो तो आपको टीचर कहते हैं क्वाइट, एवरीबॉडी क्वाइट। तो इसका मतलब होता है शांत हो जाइए, शांति बनाए रखिए। वही क्वाइट, इसका मतलब होता है वेरी। अगर हम कहेंगे शी इज क्वाइट अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो उसका मतलब होगा ये बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की है। नेक्स्ट वर्ड है रेन। रेन का मतलब होता है पानी के ड्रॉप्स, पानी की बूंदें या बारिश का होना, इसे हम रेन कहते हैं। वही REIN रेन, इसका मतलब होता है राज्य करना। कोई राजा अगर किसी प्रदेश के ऊपर राज्य करता है तो हम उसे कहते हैं दिस किंग रेन्ड ओवर दिस किंगडम। नेक्स्ट वर्ड है रेज। रेज का मतलब होता है टू लिफ्ट अप। जब आप बाइक चला रहे होते हैं तो अक्सर हम कहते हैं कि एक्सेलरेटर रेज करो, या फिर इंजन का RPM रेज करो। जब RPM आप रेज करोगे तो उसका मतलब होता है लिफ्ट अप, आप बढ़ाओ,
उसके आरपीएम को आप बढ़ाओ या एक्सेलरेटर को आप बढ़ाओ। वही आर इज हेड ई, रेज का मतलब होता है टू टियर डाउन। ये शब्द आप याद रख सकते हो रेजर इस शब्द से। रेजर का मतलब हम रेजर जो हम शेविंग के लिए यूज करते हैं, दाढ़ी बनाने के लिए यूज करते हैं, तो ये रेजर क्या कर देता है, टियर डाउन कर देता है हमारी मूंछों को या हमारे जो चेहरे के ऊपर बाल है उनको, रेजर। तो जो औजार रेज करता है उसे हम कहते हैं रेजर। नेक्स्ट वर्ड है रैशनल। रैशनल का मतलब होता है ऐसे कोई चीज जिसके पीछे तर्क हो, तर्क देना। तो रैशनल, कोई चीज अगर तर्क के दृष्टि से सही है तो हम उसे कहते हैं रैशनल डिसीजन, रैशनली करेक्ट थिंग। तो ये हो गया रैशनल। वही इसे रैशनल के आगे अगर हम ई लगा देंगे तो उसे रैशनली भी कह सकते हैं। तो रैशनल का मतलब होता है ओपिनियन, प्रिंसिपल्स ऑफ ओपिनियन या फिर बिलीफ। आपके जो भी बिलीफ्स है, आप जो भी मानते हो, आपकी मान्यता, उसे हम रैशनल कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड राइट। राइट का मतलब होता है करेक्ट। अगर आपको सही जवाब देते हो तो आपके टीचर आपको कहते हैं राइट। वही आपको जब टीचर कहते हैं कि आपको एक निबंध लिखना है, एक आर्टिकल लिखना है, तो वो कहते हैं राइट एन आर्टिकल। तो ये दोनों के जो प्रोनंसिएशन है राइट राइट, ये दोनों ही एक जैसे हैं, लेकिन दोनों का यूज बहुत ही अलग है। आर आई जी एस टी, राइट का अर्थ है करेक्ट होना, बराबर होना, सही होना। इसका एक और मतलब होता है अधिकार। आर आई जी एस टी राइट का एक और मतलब निकल कर आता है अधिकार। वही आर डब्ल्यू आर आई टी ई राइट का मतलब होता है लिखना, राइटिंग ऑन अ पेपर। रोड आर ओ ए डी, रोड का मतलब होता है पाथ, रास्ता। वही आर ओ डी ई रोड का मतलब होता है राइड करना, मैंने राइड किया, राइड किया। अब इसपे आप कैसे यूज कर सकते हैं, आई रोड अ बाइक टू द स्कूल, मैं स्कूल को बाइक राइड करते हुए आया हूँ, इस तरह से। तो दोनों के यूज आपको अच्छे से समझ लेना है दोस्तों। इस तरह से हमारे आज के 10 वर्ड्स कंप्लीट हो जाते हैं। यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन की प्रिपेरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक इम्पोर्टेंट जानकारी देना चाहूंगा। दोस्तों आप देखते होंगे कि आपका बुक्स के ऊपर बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता होगा, तो इस एक्सपेंडिचर को बचाने का एक तरीका हो सकता है आप Amazon Kindle सर्विसेज यूज करें। Amazon Kindle सर्विसेज में अगर आपके पास बजट है तो आप उनका किंडल डिवाइस भी खरीद सकते हो, जिससे कि आपको पेपर बुक पे पढ़ने का पूरा फील मिलेगा, आपके आंखों को बिल्कुल भी स्ट्रेस फील नहीं होगा। लेकिन अगर आप बजट में टाइट हैं तो ऐसे वक्त में आप किंडल अनलिमिटेड सर्विस यूज कर सकते हो, जिसमें कि महीने के 169 रुपीज में आप मिलियंस ऑफ टाइटल, मिलियंस ऑफ बुक्स ईबुक फॉर्म में आप डाउनलोड कर सकते हो और पढ़ सकते हो। ऐसे स्टूडेंट जो एग्जामिनेशन के प्रिपेरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छी सर्विस है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप Amazon Kindle सर्विसेस या Kindle बुक खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से आप डेफिनेटली इसके प्राइजेस और ऑफर्स चेक कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।